How? Good morning, how are you? I hope you all will be okay and fine. Well, yesterday I told you, I was teaching you tenses. You remember, beta? So, आपके tenses जा रहे थे, है ना? तो tenses में मैं आपको, I have done present and past, both. Present और past दोनों आपने complete हो चुके थे, यानी present indefinite, continuous, perfect और perfect continuous, and like this, past indefinite, continuous, past perfect और past perfect continuous, ये चारों आपके, ये 8 के 8 sentences आपके cover हमने करा दिए थे कल. और आज जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका फ्यूचर स्टार्ट होगा. देखिए फ्यूचर कितना इंटरेस्टिंग है. फ्यूचर में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट. वेल रिमेंबर दैट आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट. तो फ्यूचर इंडेफिनिट इज इजियर देन प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट. ये दोनों से बहुत इजी है. बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो भी इजी, बट उसमें क्या है कि उसमें जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, बल्कि सब्जेक्ट के साथ में एस या एस लगता है. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब. वो आप सीख चुके हैं. लाइकवाइज पास्ट इंडेफिनिट में अगर सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं की जाती, उसमें वर्ब में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में. मगर फ्यूचर इंडेफिनिट के जो सारे सेंटेंस होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे पॉजिटिव, चाहे निगेटिव, चाहे सिंपल, चाहे जैसा, चाहे इंट्रोगेटिव, सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगी और सब में एक जैसे रूल होंगे. तो देखिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट. तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है सच्चे वो विल और सेल होती है. ऑलराइट, तो अब देखिए विल और सेल हेल्पिंग वर्ब होती है, बट कहाँ विल का यूज होता है और कहाँ सेल का, ये आपको याद रखना. जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है, मैंने कहा जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है उनके साथ में क्या यूज होता है, सेल यूज होता है, यानी आई और वी के साथ में. और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को छोड़कर यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं, या आप ऐसा कहिए कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी को छोड़कर अदर, बाकी अदर के साथ में विल का यूज होता है. जैसे यानी आई और वी को छोड़कर बाकी अदर सबके साथ में क्या है, विल का यूज किया जाता है. ओके, जैसे सच्चन देख करते हैं शब्द प्लस विल और सेल में से कोई ए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, देन ये आपका स्ट्रक्चर होता है. ऑलराइट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है. अब देखिए मैंने आपसे कहा कि आई और वी के साथ में सेल का यूज होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज किया जाता है. मगर कुछ कंडीशन होती है जिनमें इनका जो यूज है वो रिवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है. उल्टा मतलब एक्सचेंज कर लिया जाता है. आई और वी के साथ में विल यूज हो जाता है और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ में सेल का यूज कर लिया जाता है. वो कैसी कंडीशन में होता है, जिनमें कोई नेसेसिटी होती है या कोई कंपल्शन होता है. कंपल्शन यानी कोई जरूरी, कोई किसी चीज को करना ही पड़ेगा. आप कंपेल्ड हैं या फिर कंपल्शन है यानी अनिवार्यता है, या आप मजबूर है किसी काम करने के लिए, ऐसा करना पड़ेगा, देन यहाँ पर उल्टा यूज करते हैं. जैसे मैं पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझा रहा हूं. जैसे रंजन विल हेल्प समीर, रंजन समीर की हेल्प करेगा. ओके, रंजन विल हेल्प समीर इसका मतलब है कि रंजन समीर की हेल्प करेगा. बट अगर हम यहाँ रंजन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यदि हम इस रंजन की जगह पर यहाँ रंजन लिखकर
विल की जगह सेल का यूज कर देते हैं, जैसे रंजन विल हेल्प समीर और रंजन सेल हेल्प समीर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रंजन विल हेल्प समीर, ये वाक्य जो ये सेंटेंस जो है ये सिंपल सा है, इसमें कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कंपल्सन नहीं, कोई कंपेल्ड नहीं, कोई नेसेसिटी नहीं, कुछ नहीं है। यूजुअल सा वाक्य है कि रंजन समीर की हेल्प करेगा, बात खत्म हुई। लेकिन सेकंड वन ध्यान से देखिए उसमें क्या है, रंजन सेल हेल्प समीर, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो फिर भी उसके साथ में सेल यूज हुआ है, इससे क्या प्रकट होता है कि रंजन समीर की हेल्प जरूर करेगा, रंजन समीर की हेल्प जरूर करेगा, ये इसका मीनिंग हो गया। तो अगर कहीं देखो यहाँ जरूर हो गया तो जरूर के लिए अगर हिंदी सेंटेंस में कोई जरूर या कोई इस तरह का कोई शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी अलग से नेसेसरी या कोई डेफिनेटली या कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे, है ना। आपको बस इसकी हेल्प नंबर को एक्सचेंज कर देना है। अब देखिए जैसे वी सेल हम मुंबई जाएंगे, फिर वही यूजुअल सा सेंटेंस है, सामान्य सी बात है, हम मुंबई जाएंगे, दैट्स इनफ। बट अगर हमें कहना हो कि हम मुंबई जरूर जाएंगे या हमें मुंबई जाना ही पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है यहाँ पे सेल यूज हुआ है, यहाँ पे विल यूज करते हैं, वही उसकी हिंदी हो गई। हम मुंबई जाएंगे मीन्स हम मुंबई जरूर जाएंगे, वी विल गो टू मुंबई मीन्स हम मुंबई जरूर जाएंगे, ये इसका बेटर मीनिंग है। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन विल एंड सेल। सो इफ यू आर यूजिंग विल विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देन यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दबाव दिया गया है, है ना। सेंटेंस में अनिवार्यता, बाध्यता यानी मजबूर है या जरूरी है, नेसेसिटी है, इस तरह के वर्ड्स का सेंटेंस में यूज हिंदी में किया गया होगा। ऑलराइट, अब देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था दैट आई टोल्ड यू दैट वन सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड इनटू सिक्स सेंटेंस, एक सेंटेंस के छह रूप बनाए जा सकते हैं। चलो मैं आपसे आज हिंदी में बताता हूँ, बिकॉज कुछ बच्चे हैं तो जिनको डायरेक्ट हम इंग्लिश में सिखाते हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो नए बच्चे हैं। देखिए हम अगर हिंदी की ही बात करें तो हिंदी में किस तरह से ग्रेजुअली इनको रखना है ना, हाउ टू पुट देम इन ए प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस में कैसे रखना है। जैसे चलो इसी सेंटेंस को लेते हैं, हम मुंबई जाएंगे, हम मुंबई नहीं जाएंगे, सेनेगेटिव दो हो गए। फिर थर्ड प्लेस पे आता है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव और उसके निगेटिव को पहले रखना है, और सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव उसके निगेटिव को बाद में रखना है। जैसे हम मुंबई जाएंगे, हम मुंबई नहीं जाएंगे, दो हुआ। फिर इंट्रोगेटिव, क्या हम मुंबई जाएंगे, क्या हम मुंबई नहीं जाएंगे। तो क्या करना है, जो क्या का सेंटेंस है वो पहले आना है, फिर आने हैं क्योंकि कब के कहाँ कैसे किसने किसको आदि। जैसे हम मुंबई कब जाएंगे, या हम मुंबई क्यों नहीं जाएंगे, ये आपके सिक्स सेंटेंस। देखिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, तो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर समझा सकूंगा। चलिए कोई भी सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं कि राधा
राधा विल क्लीन हर रूम टुडे, राधा आज अपना रूम साफ करेगी। इसका नेगेटिव देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मेरे लिखने के साथ साथ आप रिपीट करेंगे वीडियो देखते हुए, ओके। आप रिपीट करते रहें, आप देखते रहें कि जो शब्द आप बोलते हैं, जो वर्ड आप बोलते हैं, वही मैं यहाँ लिखता हूँ, देन यू आर परफेक्ट, ओके। राधा विल क्लीन, ओके क्लीन, ओके बेटा। इंट्रोगेटिव में आपको बहुत बता दूंगा बेटा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं तो वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसके अंदर बाहर निकालते हैं, और अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसके अंदर बाहर निकालते हैं। जैसे पहले इसका लेते हैं, इसी का लेते हैं, तो अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट यहां से हटा देंगे, बाकी जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, इंटरव्यू देखिए, मैं यहाँ पे भी नोट दे रहा हूँ बेटे, अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो यहाँ से हटा देना है, बाकी सारे स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन हेड होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, देन नोट होता है। अगर नोट सेंटेंस में नहीं है तो यहाँ से निकाल देंगे, फिर यहाँ मेन वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, याद रखें, ठीक है। ये आपके हुए 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस के, ओके। अब देखो ये बच्चे आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसी वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी। देखिए आपने कंटिन्यूअस पढ़ा होगा, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, आपने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, और आज यू आर गोइंग टू रीड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में एक बात आपने कॉमन देखी होगी, दो अभी आपने पढ़े हैं, दोनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी आईएनजी वाली फॉर्म कंटिन्यूअस में जरूर आती है, तो वही इसमें होगा, ओके। तो बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हमने यहां कर दी है, जैसे देखिए बेटा, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी वो वाले, जैसे। और एक बात जो मैंने अभी आपसे बताया है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में शैल बी होती है, वो सारे फ्यूचर में चलता है, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, या परफेक्ट
कंटिन्यूस हो वो सब में चलेगा। ओके देखिए मंजू विल बी वॉशिंग हर क्लोथ्स, मंजू अपने कपड़े धो रही होगी। तो जैसे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा, कंटिन्यूअस पढ़ा, तो उनमें क्या था, रहे हैं, रहे थे, अब आपका आ गया रहे होंगे, है ना। बाकी सब सेम है, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल गई है, विल बी हो गई है ना, और आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, बाकी सब सेम है बेटे। देखो इसी भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ बेटा, मैं इसकी भी छाया कर दूंगा। ये देखो जो अपर सेंटेंस है, जो अबव सेंटेंस है, उसमें क्या है, मंजू विल है, क्योंकि मंजू थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, और नीचे वाले सेंटेंस है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होते हुए भी हमने वहां पे सेल का यूज किया है। ये कौन सा, ये कैसा डिफरेंस है, आप समझ चुके होंगे कि नीचे वाले जो सेंटेंस का मतलब है वो क्या है, कि मंजू अपने कपड़े जरूर धो रही होगी, है ना, अवश्य ही धो रही होगी, ये मेरे, ठीक है, ठीक है। मैं आपको देते हैं, ये देखिए है ना, अब देखिए आप समझे, यहाँ पे वाई विल मंजू नॉट बी वॉशिंग हर क्लोथ्स, मंजू अपने कपड़े क्यों नहीं धो रही होगी, ये आपका हुआ बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का नेगेटिव। अच्छा अभी आपके दो सेंटेंस हो चुके हैं, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज देता हूँ, वो अभी आप वीडियो पॉज करके करके देखिए। आज मैं आपको दो सेंटेंस पढ़ाया हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यू। ओके तो अब आप देखिए, मैं आपको दो एक्सरसाइज यानी छोटे छोटे दो सेंटेंस देता हूँ, आपको उसमें वर्ब को देखकर बताना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। मेरे नाम देखिए, इन दोनों में से कोई एक आपको यूज करके देखना है,
ये वर्ब देख लीजिए कहाँ पे आईएनजी आती है तो वहाँ क्या लगता है, और कहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म विल या विल बी से यूज होगा, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं समझाते हूँ, ये हम घर पे कर करके देखेंगे। ओके, दूसरा जो सेंटेंस है इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, इन दोनों में से कोई एक आपको यूज करके देखना है। ओके, जो भी आपको ठीक लगे वह लिखेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया ही है। आई होप कि बहुत जल्दी आपके स्कूल खुलेंगे और आप आकर स्कूल में कमिंग टू स्कूल एंड वी विल बी एंजॉयिंग आवर स्टडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर हम अपनी स्टडी को इंजॉय कर रहे होंगे, मैं ऐसा आपसे मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। ओके।